हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंजा फिर से योंदाओ से मिलने के लिए उस रूप पे चला गया। आज वो शादी से पहले लास्ट टाइम योंदाओ से मिलने वाला था। देन वो योंदाओ से मिला, उन दोनों ने एक साथ हंटिंग किया। देन योंदाओ ने लंजा को दो खरगोश गिफ्ट किया। अब नेक्स्ट डे एज यूजुअल लंजा 5 बजे उठ गया। लंजा जाग तो गया था बट वो बेड पे लेट के मॉर्निंग लाइट्स देख रहा था एंड सोच रहा था कि आज उसका शादी होने वाला है। आज लंजा का लाइफ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। कुछ टाइम बाद अंकल एंड भाई आए ब्रेकफास्ट लेके। उन लोगों ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया एंड देन जेबोचुन लंजा को तैयार करने लगे। आज लंजा को रेड ड्रेस पहनाया गया था। लंजा को थोड़ा ऑड फील हो रहा था, वो पहली बार ऐसे रेड पहन रहा था। कुछ टाइम तक जेबोचुन ने लंजा को रेडी किया। देन लंजा, जेबोचुन एंड अंकल एक साथ जिंगशे के बाहर निकले। जब लंजा वेडिंग हॉल की तरफ जा रहा था, वो सोच रहा था कि उसका फादर कहाँ है, क्या वो आज आएंगे। लंजा ने ऐसा क्या गलती किया था कि उसका फादर उसके कोई भी इंपॉर्टेंट काम में नहीं रहता। लंजा को उसकी फादर की ज़रूरत है, क्या आज उसका फादर आएंगे भी, क्या उन्हें पता भी है। कुछ टाइम बाद लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो एंसेस्टर हॉल के अंदर गया। वो अंदर जाने लगा एंड तब उसने देखा कि सामने से वुइंग भी अंदर आ रहा है। वुइंग भी रेड कपड़े पहना हुआ था, उसका पूरा फेस वेल से ढका हुआ था, वो ज्वेलरी पहने हुआ था एंड देखकर ही लग रहा था कि वो कितना नर्वस है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के सामने आए। अब वो दोनों एक साथ वॉक करने लगे। वो दोनों बहुत क्लोज थे बट फिर भी उन दोनों का बॉडी टच नहीं हो रहा था। वुइविशन हीट में था तो उसका सेंट बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था। लंजा वुइविशन का हनी वायलेट सेंट स्मेल कर पा रहा था। वो दोनों एक साथ मंडप के सामने गए। अंदर बहुत सारे गेस्ट थे एंड तभी लंजा ने देखा कि वहाँ पर उसका फादर भी है। लंजा के फादर के हाथ में लंजा के माँ के नाम का एक टैबलेट था। लंजा ने अपने फादर को ध्यान से देखा। लंजा के फादर बहुत ही टायर्ड एंड सैड दिख रहे थे। उनका फेस बहुत ही पेल दिख रहा था बट जैसे ही उन्होंने लंजा को एंड उसके ब्राइड को देखा, उन्होंने स्माइल किया। लंजा ने मन ही मन में सोचा कि फाइनली उसके फादर उसके शादी में आए। दिल लंजा का नज़र जियांग फैमिली के ऊपर गया। उसने देखा कि अंकल जियांग के हाथ में 2 टैबलेट था जो विभीषण के पेरेंट्स के नाम का था एंड अंकल जियांग के पास में ही जियांग याली बैठी हुई थी जो स्माइल कर रही थी। एंड देन वहाँ पर मैडम यू एंड जियांग चंग भी था। जियांग चंग का नज़र विभीषण पर था। लंजा ने सबको देखा बट लंजा को वहाँ पर कहीं भी योंदाओ नहीं दिखा। लंजा सोच रहा था योंदाओ तो जियांग फैमिली के साथ ही था तो वो कहाँ पर गया। लंजा ने होप किया था कि शायद वो एक बार योंदाओ को देख पाएगा, एटलीस्ट लास्ट टाइम वो उसके स्माइलिंग फेस को देख पाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। योंदाओ कहीं भी नहीं था। उनका सेरेमनी स्टार्ट हुआ। सेरेमनी बहुत टाइम तक चला। उन दोनों ने 3 टाइम्स बोस किया। जब उन दोनों ने एक दूसरे को बो किया तब लंजा ने देखा कि विभीषण का हाथ कांप रहा था। लंजा को फील हुआ कि विभीषण बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, बिल्कुल लंजा की तरह। देन उनका शादी कंप्लीट हुआ, सब लोगों ने बहुत चीयर्स किया एंड देन उनका बैंक्वेट स्टार्ट हुआ। लंजा एंड वुइंग एक साथ बैठे हुए थे। वुइंग अभी तक वेल में ही था। सारे गेस्ट एक दूसरे से बात कर रहे थे, जेबोचुन एंड अंकल भी बात कर रहे थे, सब लोग हैप्पी थे। लंजा ने फिर से पूरे हॉल को चेक किया बट वहाँ पर कहीं भी योंदाओ नहीं था। तभी लंजा ने देखा कि उसका फादर हॉल से निकल गए। लंजा को पता था कि उसका फादर फिर से सेक्लूशन में चले गए, वो अभी नहीं लौटेंगे। दिन लंजा ने देखा कि विभीषण नर्वसली चुपचाप बैठा हुआ था एंड स्पाइसी फूड खा रहा था अपने भेल के अंदर। वो सब कुछ बहुत ही केयरफुली कर रहा था ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब फाइनली टाइम आ गया। अब लंजा एंड विभीषण हॉल से निकल गए। वो लोग एक साथ जिंगशे के तरफ जाने लगे। वो दोनों ही बहुत नर्वस थे। वो लोग जिंगशे के सामने पहुंच गए। लंजा ने दरवाज़ा ओपन किया एंड विंग को अंदर जाने के लिए इशारा किया। विंग जिंगशे के अंदर चला गया। लंजा भी जिंगशे के अंदर आया एंड उसने दरवाज़ा बंद किया। फिर उसने विभीषण की तरफ टर्न किया और देखा विभीषण रूम के मिडिल में गुचिन के पास खड़ा है एंड वो कितना नर्वस है।
विभीषण के हाथ पैर लिटरली कांप रहे थे। रंजना अपने रूम को ध्यान से देखा एंड देखा वहाँ पर सब कुछ बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया है, इनफैक्ट बेड को भी। रंजन नर्वसली विभीषण के सामने आया क्योंकि अब उसे फाइनल टास्क पूरा करना है, उसे इस मैरिज को पूरा करना है। रंजन विभीषण के सामने आकर खड़ा हो गया। रंजन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने धीरे धीरे वेल को टच किया। वो वेल बहुत ही हेवी एंड सॉफ्ट था। रंजन ने धीरे धीरे उस वेल को ऊपर किया एंड फाइनली उसने विभीषण के फेस के सामने से वेल को हटा दिया। अब उसके सामने वो इंसान था जिसके साथ रंजा पूरी ज़िंदगी बिताने वाला है। जैसे ही रंजन एंड विभीषण ने एक दूसरे को देखा, वो दोनों शॉक्ड हो गए। उन दोनों ने एक साथ एक दूसरे को कहा, तुम? वो दोनों इतना शॉक्ड हो गए थे कि उन दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों क्या कहेंगे। विभीषण के माउथ से तो कोई वर्ड ही नहीं निकल रहा था, वो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। देन विभीषण हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हारे साथ मेरा शादी होने वाला था। लानगा, तुम लांग वांग जी हो, या फिर मुझे तुम्हें लड़ा गग्गा करके बुलाना चाहिए, हाँ? ये बोल के विंग हंसने लगा एंड विंग की हंसी देख के रंजन का हार्ट मेल्ट हो गया। विंग ने कहा, या फिर लंजान, तुम मेरे हस्बैंड हो। ये बोल के विंग रंजन की तरफ थोड़ा लीन्ड हुआ और कहा, तो फिर तुम्हें तो मुझे इंटीमेटली बुलाना चाहिए, है ना लंजान? ये सुन के रंजन ने कहा, विंग। ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, हाँ हाँ, तुम मुझे विंग बुला सकते हो लंजान, लड़ा गग्गा। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड देन विंग ने सॉफ्टली कहा, आई एम ग्लैड कि मेरा शादी तुम्हारे साथ हुआ है। ये सुन के रंजन ने कहा, मैं भी ग्लैड हूँ कि मेरा शादी तुम्हारे साथ हुआ है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। रंजन ने कहा, बट तुमने मुझे तुम्हारा फॉल्स नेम क्यों बताया था? ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, वेल, तुम्हें पता तो है ना कि रूल्स के मुताबिक मैं बाहर नहीं जा सकता, एंड अगर ये शादी टूट जाता तो मैडम यू मुझे मार देती। एंड देन मैं तुमसे मिला, मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें अपना असली नाम बता दिया तो तुम सबको कह दोगे कि तुम मुझसे मिले थे, तो शादी टूट जाता, इसलिए मैंने मेरा फॉल्स नेम बताया। ये सुन के रंजन ने कहा, झूठ बोलना फॉरबिडन है। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा लंजा, तुम कितना क्रूअल हस्बैंड हो, तुम हमारे वेडिंग नाइट पे मुझे डांट रहे हो। ये बोलने के बाद विंग फ्रोज हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कह दिया। देन विंग का सॉफ्ट स्माइल टीचिंग स्माइल में बदल गया। उसने कहा, ये हमारा वेडिंग नाइट है लंजा, श्योरली तुम इतना कोल्ड तो नहीं हो कि तुम मुझे हमारे वेडिंग नाइट पे टच भी नहीं करोगे, हाँ? ये सुन के लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। विंग लंजा के क्लोज आया तो लंजा भी विंग के क्लोज गया। उसने अपने दोनों हाथों को विंग के वेस्ट में रखा एंड उसे अपना क्लोज खींचा और कहा, ओनली अगर तुम चाहो तो। ये बात लंजा ने विस्पर करते हुए कहा। विंग लंजा के बहुत क्लोज था, उन दोनों के लिप्स बहुत क्लोज थे। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ। ये बोल के विंग ब्लश करने लगा। उसने कहा, मैं बहुत शेमलेस हूँ लंजा, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत कुछ, अब मुझे किस करो। ये बोल के विंग ने लंजा को किस किया एंड लंजा भी किस का रिस्पॉन्स करने लगा। ये उन दोनों का फर्स्ट किस था एंड वो दोनों इस किस को एंजॉय करने लगे। विंग किस में ही मॉर्निंग करने लगा एंड विंग के मॉर्निंग सुन के लंजा का हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो गया। उसके पूरे बॉडी में लास्ट आ गया। वो विंग के बॉडी में अपने हाथ को फेरने लगा एंड उसके हेयर में भी। विंग का हेयर बहुत ही सॉफ्ट था। वो दोनों और भी डीपली किस करने लगे। फाइनली वो दोनों अलग हुए। अलग होने से पहले विंग ने लंजा के लिप्स को बाइट किया। देन उसने कहा, लंजा लंजा, चलो बेड पे चलते हैं, मुझे बेड पे ले चलो। लंजा ने नोट किया। वो विंग को किस करने लगा एंड धीरे धीरे उसे बेड की तरफ लेके जाने लगा। वो लोग स्लोली स्लोली बेड के पास आए। देन लंजा ने विंग को स्लोली बेड पे पुश किया। वो खुद भी विंग के ऊपर आ गया। वो दोनों आए भी किस कर रहे थे। देन धीरे धीरे लंजन ने विंग के कपड़े एंड ज्वेलरी उतारा एंड खुद के भी। अब वो दोनों बिल्कुल बेयर थे। उन दोनों के बॉडी का हॉटनेस बढ़ रहा था एंड ऑफ कोर्स विंग अपने हीट में था, तो विंग का सेंट पूरे रूम पे फैल रहा था।
इसका प्रभाव लंच के ऊपर भी पड़ रहा था। उन दोनों का सेंट मिक्स हो रहा था। लंज ने विंग के बेयर शोल्डर को किस किया। देन सडनली लंज को मन कर रहा था कि वो विंग के पूरे बॉडी को टच करे, उसे फील करे, तो वो वही करने लगा। वो विंग के सॉफ्ट एंड हॉट स्किन को टच करने लगा, उसे फील करने लगा, एंड विंग मोनिंग करने लगा। धीरे धीरे लंजा विंग के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा। विंग ऑलरेडी हीट में था एंड वो अभी और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था, तो उसने लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, नहीं लंजा। ये सुन के लंजा रुक गया एंड फ्रोज हो गया। तभी विंग ने कहा, मेरे साथ इतना सॉफ्ट भी मत हो, अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मेरा बॉडी तुम्हें चाहता है, प्लीज़ लंजा लड़ा गग्गा मुझे टच करो। ये बोल के विंग प्लीट करने लगा। एंड विंग के ऐसे मॉर्निंग से एंड वॉइस से लंजा का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। लंजा का आइज डार्क हो गया। अब उसने एक सेकेंड भी वेट नहीं किया, अब वो दोनों लव मेकिंग करने लगे। लंजा बहुत ही रफली लव मेकिंग कर रहा था, तब उसे याद आया कि बुक पे लिखा हुआ था कि शुरू शुरू में ऐसा रफनेस बहुत ही बुरा असर कर सकता है, तो इसलिए लंजा थोड़ा सॉफ्ट हुआ। एंड तभी विंग ने कहा, नहीं लंजा प्लीज़ सॉफ्ट मत हो। ये सुन के लंजा फिर से रफ होने लगा। उन दोनों का लव मेकिंग चलता रहा। विंग जितना मॉर्निंग कर रहा था, लंजा उतना क्रेजी हो रहा था। बोधनों एक दूसरे में बिल्कुल खो चुके थे। कुछ टाइम बाद फाइनली बोधनों रुके। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद बोधनों बिल्कुल थक चुके थे। लंजा भी फ्रोज हो गया था, वो शेक कर रहा था। उसका फेस विंग के चेस्ट में था। फाइनली कुछ टाइम बाद जब लंजा अपने आप में वापस आया, तब उसे फील हुआ कि विंग अपने हाथों से लंजा के हेयर को कॉम्बिंग कर रहा है। विंग ने कहा, लंजा लड़ा गग्गा। ये बोल के विंग ने सॉफ्टली हंसा और कहा, लंजा हमें ये हर रोज़ करना चाहिए, आई मीन एवरी डे। ये बोल के विंग ने अपने दोनों हाथों को लंजा के नेक पे रैप किया। लंजा ने कहा, ये सुन के विंग सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि उसने तो टीस किया था पर लंजा ने तो हाँ कहा। तो विंग ने कहा, क्या तुम सेमलेस नहीं कहोगे? तुमने इतना इजीली एग्री क्यों किया? ओके भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा था, हम इसे एवरी अदर डे करेंगे, नहीं एवरी फोर डेज, ओके? ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। देन उसने कहा, नहीं। ये सुन के विंग ने पाउट किया और कहा, नहीं कितना मर्सीलेस हो तुम। ये सुन के लंजा ने कहा, एवरी डे इज एवरी डे। ये सुन के विंग ने हंसा एंड देन उसने लंजा को फिर से किस किया। उन दोनों ने कुछ टाइम तक किस किया एंड देन वो दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लंजा नींद से उठा, उसका नज़र फर्स्ट उस इंसान पर गया जो उसके बाहों में था, जो उसका ब्यूटीफुल हस्बैंड है। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों ही नेकेड एक दूसरे के बाहों में सो गए थे। विंग को देखकर लंजा का हार्ट बिल्कुल वार्म हो गया एंड तभी विंग जाग गया। विंग ने अपना आंखें ओपन किया एंड स्लिपी स्माइल किया। अब लंजा को फील हो रहा था कि वो हैप्पी है, वो सच में बहुत हैप्पी है, उसे कितना वंडरफुल हस्बैंड मिला है। लंजा ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो ज़िंदगी में इतना हैप्पी हो सकता है। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताना। हाँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।